नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभिषेक शर्मा आपका दोस्त सी ए अभिषेक शर्मा आपके साथ हूँ सिटी लाइव बिजनेस डायलॉग में। और जैसा कि आपको पता है कि सिटी लाइव जो है बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़े इशूओं को लेकर आगे आता रहे हमेशा, तो हमारे जो एपिसोड है उसका मोटिव यही है कि जो इशूज़ आ रहे हैं बिजनेस के इंडस्ट्री के उनको लेकर आए, चर्चा करें साथ में कि कैसे हम लोग राहत दे सके आम जनता को और व्यापारियों को। आज की परिचर्चा का हमारा मेन उद्देश्य है वो है जीएसटी। जीएसटी को एक साल पूरा हो गया है, एक साल में जीएसटी ने क्या खोया, क्या पाया, क्या नए डेवलपमेंट जीएसटी में है, क्या खामी अभी भी है जो दूर करनी है, इन सबको आज की परिचर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की जो परिचर्चा रखी है हमने, आज का जो संवाद हमने रखा है वो रखा है कि जीएसटी को, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पूरा एक साल हो गया है। तो एक साल पूरा होने के बाद क्या प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं व्यापारी वर्ग से, क्या प्रतिक्रियाएँ लग रही है प्रोफेशनल्स के यहाँ से, क्या जो परिकल्पना सरकार ने देखी थी कि एक जीएसटी आने से देश का जो आधारभूत ढांचा है कर का वो परिवर्तित हो जाएगा, क्या ऐसा हो पाया है, हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे बीच हैं श्री सुरेश अग्रवाल जी, आप फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में उज्ज्वल शर्मा जी। उज्ज्वल शर्मा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो जीएसटी एक्सपर्ट भी हैं। उज्ज्वल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तो आज की परिचर्चा में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आने के पीछे सरकार की जो मंशा थी वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, और क्या क्या वादे सरकार ने किए थे और क्या धरातल पर वो वादे सब आ पाए या नहीं आ पाए। शुरुआत करना चाहूँगा मैं सबसे पहले आपसे उज्ज्वल जी, जीएसटी आने का जो मूलभूत उद्देश्य लगता था कि जो गुड्स और सर्विस टैक्स के ऊपर जो कास्कडिंग इफेक्ट लगा करता था, कास्कडिंग इफेक्ट को सरकार दूर करना चाहती थी, कर के ऊपर सरकार कर नहीं लगाना चाहती थी, तो कहाँ तक जीएसटी सार्थक हो पाया है गुड्स और सर्विसेज के कास्कडिंग इफेक्ट को दूर करने में? सर देखो, जो जीएसटी लाने के पीछे सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कास्कडिंग इफेक्ट को दूर किया जाए। सरकार ने कास्कडिंग इफेक्ट को दूर करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आज भी जीएसटी का तीन हिस्से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तीन हिस्से होने के बाद भी जो स्टेट वाइज सी जी एस टी और एस जी एस टी का अलग से स्वरूप है, आज जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग सी जी एस टी अलग अलग एस जी एस टी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो हाँ, 90% तक टैक्स पर टैक्स जो मार कह रहे हैं कास्केडिंग इफेक्ट वो दूर हो गया, लेकिन आज भी 10% पोर्शन ऐसा है जिस पे कास्केडिंग इफेक्ट है। सपोज करो, अगर महाराष्ट्र में, राजस्थान का कोई व्यापारी महाराष्ट्र में जाके कोई काम करता है और महाराष्ट्र का एसजीएसटी सीजीएसटी वहाँ का लगता है, तो राजस्थान का व्यापारी जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है उसको उस महाराष्ट्र के सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। ये सबसे बड़ा लूपहोल है जीएसटी आने के बाद। मैं कहूँगा सरकार को इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए ताकि कुछ पॉजिटिव एक्शन लिया जा सके। तो आपके हिसाब से कास्कडिंग इफेक्ट अभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो पाया है। हम बात करेंगे सुरेश जी कि जीएसटी आने से पहले बात करते थे कि एक देश और एक कर, यानी पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य मिलेंगे। आप खुद व्यापारी भी हैं और व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, फोर्टी के आप अध्यक्ष हैं, तो आपके हिसाब से सरकार कहाँ तक इस अवधारणा को सार्थक कर पाई है? धन्यवाद अविनाश जी। अभिषेक जी, मैं ये समझता हूँ कि एक देश एक कर हिंदुस्तान के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक कर की बात करें कि 5%, 12%, 18% में सारी की सारी चीज़ें आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि गरीब लोगों के लिए आपको जनरल जो चीज़ें हैं वो कम टैक्स में लानी ही पड़ेगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम पूरे हिंदुस्तान में एक कर की बात करें, नंबर वन। नंबर टू, एक कर की पद्धति यानी कि 5%, 12%, 18% और 28% ये जो चार कर है ये जो लागू किए, इससे पूरे हिंदुस्तान में जो प्राइसेस है वो 90% प्राइसेस मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी है। जैसे सपोज करो, कार अगर जयपुर में पहले अलग रेट था, दिल्ली में अलग रेट था, बम्बई में अलग रेट था, वो अब सारी की सारी एक रेट में आ गई है। और सरकार को इस पर और ध्यान देते हुए जो कुछ चीज़ें बच गई है वो भी इसमें लानी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे अभी भी टैक्स कम करने की ज़रूरत है, उस पर टैक्स कम किया जाना चाहिए जी। मतलब आपके हिसाब से एक देश एक कर की अवधारणा काफ़ी कुछ सफल हो पाई है जीएसटी में, और उसमें अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश है जी। उज्ज्वल जी, मैं वापस आप पे आता हूँ। अगर हम बात करें कि डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो जीएसटी पूरे रूप से अगर देखेंगे डिजिटलाइज्ड है सब कुछ, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल, फॉर्म फाइल, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। तो क्या डिजिटल इंडिया का जो प्रारूप सोचा था सरकार ने, या जीएसटी डिजिटल इंडिया में आया है तो सार्थक हो पाया है, या जीएसटी को मैन्युअली होना चाहिए था? सर, डिजिटल इंडिया का मतलब होता है कि सप्लाई और रिसीवर
दोनों ही डिजिटली वर्क करें। कहने का मतलब मेरा यह है कि व्यापारी अपनी रिटर्न फाइल करे डिजिटली मोड पे और डिपार्टमेंट उसको असेस करना है या डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें कोई भी प्रोसेस किया जाना है वो डिजिटली होना चाहिए। डिपार्टमेंट को कोई क्यूरी देनी है उस रिटर्न के रिलेटेड तो वो भी डिजिटली होनी चाहिए। व्यापारी ने अगर एक्सेस इनपुट उसकी पड़ी है रिफंड फाइल करना है तो वो भी डिजिटली होनी चाहिए। जीएसटी के लाने के बाद सरकार का सबसे बड़ी जो कमी रही है वो जीएसटी पोर्टल डिजिटली मीडिया में जो वर्क नहीं कर पा रहा। आज भी जीएसटी पोर्टल बात करते हैं तो 90% जो जीएसटी फेलियर मैं कहूँगा कि जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल में इतनी कमियाँ हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो आज भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता बहुत सारी। जैसे रिटर्न्स की ड्यू डेट आती है सर्वर आज भी वर्क नहीं कर पाता प्रॉपरली जीएसटी नेटवर्क जो है। सरकार इसके साथ साथ पेनल्टी भी कलेक्ट कर रही है। पेनल्टी जो लग रही है अभिषेक जी आप ताज्जुब करेंगे कि जो टैक्स अमाउंट कलेक्ट किया गया उससे कई गुना तक की पेनल्टी दी है। मेरे पास कल व्यापारी आए एक जिनका टैक्स अमाउंट था 8,000, उन्होंने जीएसटी की लेट फाइलिंग फीस चुकाई 92,000 रुपये। तो पूरे साल भर में जिस व्यापारी ने 8,000 का टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पेनल्टी के रूप में उसने चुकाई 92,000 रुपये, जितने रुपये का उसने व्यापार नहीं किया उससे भी कई ज्यादा का उसने पेनल्टी के रूप में चुका दिया। तो ये मैं एक बहुत बड़ा रस मैं मानना चाहूँगा। आज भी जीएसटी पोर्टल नहीं चलता, अगर अपन आजकल की बात करें तो आज भी जीएसटी पोर्टल अप टू द मार्क नहीं है। रिफंड्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो पा रहे, जितनी भी ग्रेवेंसेज आप ऑनलाइन डालते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के 10 दिन बाद आपके पास उसका यूजर आई डी ईमेल है उसका जीएसटी नंबर आ रहा हो आपके पास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी जीएसटी पोर्टल दे रहा है और सरकार को इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा बहुत सही थी, सरकार ने सब चीज़ जीएसटी में डिजिटलाइज करने की कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं सुरेश जी इसमें आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा सही होने के बाद भी जिस तरह से सर्वर्स पूरे ढंग से काम नहीं कर पा रहे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को प्रभाव डाल रही है सब चीज़? छोटे छोटे व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। दोनों प्रॉब्लम है, एक तो छोटी जगह पे नेट की प्रॉब्लम है, एक नेट की कनेक्टिविटी बड़ी स्लो है उसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो आम व्यापारी है जिसके पास मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है 75% व्यापारी के पास कंप्यूटर और नेट की सुविधा भी नहीं है, उसकी वजह से भी इस डिजिटल को बड़ी प्रॉब्लम है। और डिजिटल जहाँ है वहाँ भी मैं समझता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स डिजिटल को मानते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप इसके कागज़ ये लाके दो, और जिसमें एक्सपोर्ट में इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि डिजिटल अभी तक कामयाब है ही नहीं, 0% कामयाब है। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को और ध्यान देते हुए इस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार को डिजिटल में आगे आने वाली खामियां और दूर करनी पड़ेगी तभी जीएसटी सक्सेसफुल हो पाएगा। सुरेश जी अपन बात करें, अगर आप राजस्थान में ट्रेड और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम जीएसटी की परिचर्चा करें राजस्थान के परिदृश्य में कि आज उद्योग जो उद्योग थे उन पर पहले भी एक्साइज लगा करता था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे एसएसआई से जो बाहर थे, पर जीएसटी आने के बाद जो व्यापारी ट्रेडिंग करता था उनके मन में डर था कि जीएसटी आने के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के भाव बढ़ जाएंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, स्टोन्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, तो क्या कुछ प्रतिकूल या अनुकूल असर पड़ा है राजस्थान के व्यापारियों पर जीएसटी आने के बाद? बिल्कुल, राजस्थान के व्यापारियों में खासकर 3 या 4 सेक्टर में जिसमें आपका मार्बल उद्योग आ गया, हैंडीक्राफ्ट आ गया और टेक्सटाइल आ गया, थोड़ा बहुत लेके ज्वेलरी भी आ गया, ये जो 3-4 सेक्टर है इसमें ज़रूर डेफिनेटली फ़र्क पड़ा और उनकी सेल में भी तकरीबन 50% तक की कमी भी आई है। और एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस हैंडीक्राफ्ट का हो रहा था क्योंकि उसमें जॉब वर्क पे अभी सर्विस टैक्स लगने की वजह से इसमें जीएसटी लगने की वजह से प्रॉब्लम आई और ये इसका खामियाजा जो है अभी तक व्यापारी भुगत रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सरकार से हमारी ये इच्छा है कि सरकार जैसे अभी जो जीएसटी की मीटिंग होए उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इनका टैक्सेशन कम करे। टैक्सेशन कम करेगी तो ज़रूर इन चीज़ों को वापस बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। क्या आपको ये भी लगता है कि नोटबंदी के बाद जो जीएसटी आया तो उसे डबल मार पड़ गई व्यापारियों के ऊपर? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि व्यापार पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा मंदी के दौर में है। कुल मिला के 30% राजस्थान के व्यापार में मंदी है, तो इसका पहला असर नोटबंदी था। नोटबंदी के थोड़ा सा संभले थे व्यापारी कि जीएसटी आ गई, जीएसटी से अब जाके थोड़े थोड़े संभलने लगे हैं। फिर भी जीएसटी में बहुत सारी खामियां, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है जिसके वजह से व्यापारियों को परेशानी हो रही है। तो धीरे धीरे व्यापार वापस समृद्धि की ओर बढ़ने की कोशिश करता जा रहा है और सरकार का अगर सपोर्ट रहा है जीएसटी में तो व्यापारी वापस से प्रगति, राज्य और देश वापस से प्रगति कर सकता है। उज्ज्वल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ई वे बिल
बड़ा सुना करते हैं हम लोग, बड़ा हल्ला मस्ता है, ई वे बिल सरकार उठा रही है, ला रही है, रेट इसकी रेंज बढ़ा दी है, क्या फंडा है कुल मिला के ई वे बिल का जीएसटी में? देखो सर, ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो गुड्स के मूवमेंट के टाइम पे, जो जिस भी कन्वेंस में मूवमेंट हो रहा है उसके साथ एक डॉक्यूमेंट कैरी करेगा, कि वो ये बताएगा कि इस समय जो है गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। इसको कैसे देखेंगे अपन, ये समझेंगे सर, व्यापारी ने कोई भी इन्वॉइस बनाई, व्यापारी को इन्वॉइस बनाने के बाद उस गुड्स का एक स्टेट एक जगह से दूसरी जगह का उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन लेने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन सुविधा जनरेट करी कि साहब ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन जीएसटी के पहले ही जीएसटी नेटवर्क पे एक साइट बनाई गई ई वे बिल की सेपरेटली, जिसके अंदर व्यापारी ई वे बिल जनरेट कर सकता है और इसे रोड परमिट कह सकते हैं अपन एक तरीके से, कि सीधी भाषा में सरल भाषा में अपन इसको ये ई वे बिल या रोड परमिट अंतर्राज्यीय और एक ही राज्य में अगर ट्रांजेक्शन गुड्स का जा रहा है तो उसके दोनों के लिए जरूरी है के, सर ई वे बिल आपकी जैसे ही प्रमाइसिस से बाहर निकलेगा, जैसे ही प्रमाइसिस से बाहर निकलेगा और किसी भी मोटराइज कन्वेंशन में जाएगा तो आपको ई वे बिल की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। एक मिथ्या मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि 10 किलोमीटर तक कोई ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। सर कानून में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं, कहीं ऐसा प्रारूप नहीं, सिर्फ एक मिथ्या मार्केट में बनी हुई है और इसका खामियाजा बहुत सारे व्यापारी भुगत रहे हैं। मैं पिछले जो एक महीने से देख रहा हूँ कि बहुत सारी गाड़ियाँ सरकार के जो अधिकारी हैं टैक्स ऑफिसर्स हैं उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ी है, उन सब गाड़ियों में यही कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है और पेनल्टी जो लग रही है जितने रुपए के गुड्स है उसके इक्वलेंट पेनल्टी लगते देखी है मैंने सर बहुत सारे, तो एक बहुत बड़ी मार व्यापारी में पड़ जाती है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि व्यापारी का इनवॉइस के साथ मूवमेंट कर रहा है जब गुड्स, तो उसका इंटेंशन चोरी करने का नहीं है, उसके बावजूद उस पे जो गुड्स की वैल्यू है उसके इक्वलेंट पेनल्टी लगा दी जाती है, जबकि कानून में तो ये लिखा है कि जो गुड्स की वैल्यू है जो टैक्स लग रहा है उसके 50% पे लगनी चाहिए। ये जो पेनल्टी लगाना मैं समझता हूँ ये गलत है, इसके बारे में सरकार को कोई ठोस कदम निकालने चाहिए, कोई सर्कुलर निकालना चाहिए, कोई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ताकि व्यापारी को कुछ इस पे राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ई वे बिल के पीछे सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी कि कहीं ना कहीं कर की चोरी या जो बिल से ट्रांजेक्शन हुआ करता है उसको रोका जा सके, पर जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ई वे बिल में आ रही है वो भी दूर करना जरूरी है। सर सुरेश जी, एक साथ आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत समस्या आ रही है कि एक्सपोर्टर्स को रिफंड नहीं मिल पा रहा है, बड़ी तकनीकी समस्या आ रही है उसमें, कई बार इनएडवर्टेंट ड्यूटी क्रेडिट के कारण रिफंड नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो खुद आप डिपार्टमेंट टाइम में रिप्रेजेंट करते रहते हैं, तो क्या समस्या आ रही है और कैसे डिपार्टमेंट क्या करे इस पर ताकि सॉल्यूशन निकल सके इस चीज़ का? सबसे पहले तो समस्या जो डिजिटल हम कह रहे थे कि ऑनलाइन सारे के सारे उन्होंने व्यापारियों ने जो भी एक्सपोर्टर है उन्होंने अपने ऑनलाइन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को भरा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम है कि वो सारे के सारे उनको दे के आने पड़ते हैं कागज़ बिल वगैरह और सारी की सारी डिटेल, उसको मिलाने में और उसमें इतना टाइम लगता है और उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि उसको रिफ़ंड को जनवरी तक तो आए नहीं लोगों के रिफ़ंड, जनवरी के बाद स्टार्ट हुए हैं, उसकी भी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। सरकार को इस पर खास ध्यान देते हुए और इसको ऑनलाइन ही मांग के ऑनलाइन ही करने में, क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार का भी बढ़ावा, अगर ऑनलाइन नहीं करेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बढ़ावा न की उम्मीद है, तो सरकार को ऑनलाइन करते हुए और इसका एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि 10 दिन 15 दिन में इसको ख़त्म करना है। तो कुल मिला के जितने भी एक्सपोर्टर्स को समस्या है सरकार को अतिशीघ्र समाधान करना चाहिए इसका, ताकि वो पैसा वापस वर्किंग कैपिटल फ्लो में आ सके और व्यापारी आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सके। उज्जवल जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा आज, कि ये जो ट्रांजिशनल क्रेडिट का इशू आ रहा है कि बहुत सारे व्यापारी थे जो टाइम पर अपने क्रेडिट का फॉर्म नहीं भर पाए, ट्रांसफर नहीं भर पाए, तो क्या उनके पास हक खत्म हो गया क्रेडिट लेने का? क्या आज उन्होंने गलती कर दी? उनके पास वैट का जो माल खरीदा वो पड़ा हुआ है रेस्टवेल एक्ट में, बिल उनके पास पड़े हुए हैं, माल पड़ा हुआ था उनके पास, तो क्या क्रेडिट नहीं मिल पाएगी उनको? क्या उनको नुकसान व्यापारी को अपनी जेब से देना पड़ेगा? सर अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन इशू नहीं किया है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के बहुत सारे हाई कोर्ट्स के डिसीजन हमने हमारे फेवर्स में लिए हैं कि सब मैनुअल फाइल कर दो। अब मैनुअल फाइल होने के बाद भी सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि सर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट का ऑर्डर की कंप्लायंस में उनको कहते हैं, लेकिन सर आज उस कंप्लायंस को करवे भी हमारे को 30 दिन हो गए, हमारे अकाउंट में क्रेडिट अभी तक नहीं आई है। तो सरकार क्या इसके प्रति जो ट्रांजिशनल क्रेडिट जो पुराने वैट और एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, जीएसटी में कन्वर्ट हुए तो जो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुई, उसके बारे में मेरे को सरकार की मंशा साफ नज़र नहीं आ रही है किसी भी तरीके से।
सरकार को इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी अभिषेक जी आप मानोगे नहीं, तकरीबन 100 करोड़ के ऐसे मैटर्स मेरे सामने आ चुके हैं जिनमें टेक्निकल कमी के कारण भी जीएसटी पोर्टल में उनकी क्रेडिट नहीं मिल पाई। उन्होंने एसएससी टाइमली भरा था लेकिन पोर्टल दूसरे दिन उसका रिस्पांस देता है, रिस्पांस में नेगेटिव रिस्पांस आया और आपकी क्रेडिट अभी तक नहीं आई। तो आपको लगता है सरकार को एक मौका और देना चाहिए उन व्यापारियों को सर जो ट्रांसफर नहीं फाइल कर पाए हैं, जो अपने क्रेडिट को आगे नहीं ले पाए हैं, उनके साथ नाजायज होगा कि अगर उनको सरकार मौका नहीं दे तो? 100% मौका देना चाहिए क्योंकि व्यापारी और व्यापार जगत का पैसा है, उनको मिलना ही चाहिए। अगर वो ले नहीं पाए या सरकार दे नहीं पाए, दोनों तरफ से कमियाँ हो सकती है और उसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को रिलीज करना चाहिए क्योंकि व्यापार वैसे ही बहुत मंदी के दौर में है। उस मंदी के दौर में उभरने के लिए उनको जो फंड उनका जो ब्लॉक हो रहा है वो फंड तुरंत उनको रिलीज होना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जीएसटी लाने के पीछे सरकार की जो मंशा थी एक देश एक कर एक मूल्य, वो मंशा बहुत सही थी, बहुत सार्थक थी, पर बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग इश्यूज़ के साथ में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे जो इम्प्लीमेंट के दौरान में आए और सरकार ने कोशिश करी दूर करने की, पर अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। रिटर्न्स की फाइलिंग की बात करें, सर्वर की बात करें, रिफंड्स की बात करें, ई वे बिल की बात करें, और जिस दिन सरकार इन समस्या को दूर कर लेगी उस दिन व्यापारी वर्ग सही रूप में इस देश में जीएसटी को अपना पाएगा और जीएसटी को मान पाएगा। बहुत जल्दी आपके साथ अगली प्रतियोगिता में जुड़ेंगे। सुरेश जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत, उज्जवल जी आपका धन्यवाद, आप लोग आए, अभिषेक शर्मा सीए सिटी लाइफ के लिए धन्यवाद।